हाय विवान, आज हम बनाएंगे कैरेमल सॉस। इसको आप केक्स पे, शेक्स में या किसी चॉकलेट में पोर करके बहुत टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। हाय, वेलकम बैक टू क्लैट में किचन एट बाय निकिता जैन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैरेमल सॉस बनाने के लिए हमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक ड्राई पैन लेंगे, उसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। मेक श्योर जो पैन है बिल्कुल ड्राई हो और इसको मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा देंगे। शुगर को इवनली स्प्रेड करें एंड डोंट पुट एनी स्पून इनसाइड इट, जस्ट मिक्स इट बाय शेकिंग। जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो जो साइड्स पे शुगर रह गई हैं उनको भी सेंटर में ले आएं, सो दैट ये बर्न ना हो शुगर एक्सेस में और सब इवनली मेल्ट हो जाए। शुगर में पानी की एक भी ड्रॉप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पानी लगने से शुगर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाती है और हमें इसको जस्ट नॉर्मली मेल्ट करना है। सो मीडियम फ्लेम पे हम इसको मेल्ट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी शुगर बर्न हो रही है तो फ्लेम को लो कर दें। अब शुगर मेल्ट हो चुकी है, सो अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही लें। अगर फ्रिज का एकदम ठंडा बटर है तो प्लीज़ उसको थोड़ी देर बाहर रख दें, फिर उसके अंदर डालें और इसे अच्छे से मिलाएं जब तक ये अच्छे से मेल्ट होकर मिक्स नहीं हो जाता। मेक श्योर आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहें सो दैट कोई लम्स ना बने। बटर कैरेमल को रिच टेस्ट तो देता है, साथ में ये शाइनिंग इफेक्ट भी लाता है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश क्रीम, जो मैंने 1/2 कप ली थी। जितनी शुगर उतनी ही क्रीम। जस्ट मेक श्योर जब आप क्रीम इसके अंदर पोर करें तो 1/2 करके डालें और जो हमारी क्रीम है उसको माइक्रोवेव में 30-40 सेकेंड्स के लिए हीट कर लें। मतलब एकदम ठंडी क्रीम इसके अंदर नहीं डालनी, थोड़ी गरम गरम क्रीम ही इसके अंदर डालनी है, वरना जो कैरेमल है वो स्टिक हो जाएगी और उसमें लम्स बन जाएंगे। क्रीम डालने के बाद अच्छे से मिलाएं और गैस बंद करके इसको ठंडा होने दें। ठंडा करने के लिए भी घुमाते रहें और इसको छोड़े नहीं, क्योंकि वरना लम्स बन जाएंगे। जस्ट इस कीप मिक्सिंग और वो लम्स सब ब्रेक हो जाएंगे और आपकी कैरेमल सॉस एकदम रेडी है। अब झट से जब ये ठंडी हो जाए तो इसको एक क्लीन बॉल में ट्रांसफ़र कर लें एंड आवर कैरेमल सॉस इज़ जस्ट रेडी। आप इसे केक्स में पाइपिंग बैग से साइड डेकोरेशन कर सकते हैं या आइसक्रीम्स में डाल के खा सकते हैं। ये बहुत यमी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।